जय श्री राम दोस्तों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का शबरी से मिलना एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो आज तक भगवान को पाने की इच्छा रखने वालों का आदर्श सपना है। वो शबरी जिसने श्री राम का जिंदगी भर इंतजार किया, जिसकी पहचान श्री राम है, उनकी असली कहानी बेहद कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे देवी शबरी के वो गुप्त रहस्य जो सिर्फ शुद्ध राम भक्ति में लीन सिद्ध लोग ही जान पाते हैं, और बात करेंगे उस गूढ़ महामंत्र की जो श्री राम ने सिर्फ माता शबरी को बताया था। दोस्तों, शबरी एक निषाद या वनों में रहने वाली जनजातीय कन्या थी। छोटी सी उम्र में ही शबरी भक्ति और परमात्मा जैसे तत्वों को जानना चाहती थी। वनवासी होने के कारण शबरी के कुल में पशुओं का शिकार आम था, पर शबरी पशु हत्या के विरुद्ध थी। बताया जाता है कि इसी कारण उन्होंने अपने परिवार का भी त्याग किया और गुरु की खोज में निकल गई। शबरी के वनवासी कन्या होने की वजह से कोई भी गुरु उन्हें अपनी शिष्या नहीं बनाना चाहते थे, पर शबरी ने हार नहीं मानी। वो ऋषि मातंग के आश्रम गई। शबरी कई वर्षों तक मातंग ऋषि के आश्रम में रहकर काम करती रही। शबरी की तपस्या देखकर मातंग ऋषि ने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। एक दिन मातंग ऋषि ने शबरी को बुलाया और कहा कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो जल्द ही अपना शरीर छोड़ देंगे। ऋषि ने कहा कि शबरी बेहद भाग्यशाली थी और वर्षों से उनके अच्छे कर्मों और तपस्या से उन्होंने श्री राम के दर्शन का बड़ा सौभाग्य अर्जित कर लिया था। शबरी से मिलने परम ब्रह्म खुद आएंगे जब वो वर्षों बाद माता सीता की तलाश में होंगे। ऋषि ने शबरी को श्री राम के आने का इंतजार करने के लिए कहा। फिर कमल मुद्रा में बैठे हुए ऋषि को मां समाधि प्राप्त हुई। अपने गुरु की सलाह के बाद शबरी ने श्री राम के आने की प्रतीक्षा की। कई साल बीत गए और शबरी बूढ़ी हो गई। हर दिन वो अपनी झोपड़ी और आसपास की अच्छे से सफाई करती, श्री राम के लिए मीठे बेर चुनकर रखती थी और झोपड़ी के बाहर बैठी श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। श्री राम के इंतजार में लाखों ऋषि थे, पर मां सीता की खोज के दौरान वो सिर्फ कुछ ही आश्रमों में गए, जिनमें से एक शबरी का आश्रम था। एक दिन परम ब्रह्म सच में शबरी के द्वार पर आए। शबरी राम मिलन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहता है कि शबरी ने श्री राम से पूछा, आपको आश्रम ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? श्री राम ने कहा, आपके प्रेम की वजह से ये तो मेरे जन्म लेने से पहले ही तय था कि शबरी के आश्रम में राम को आना होगा, तो कष्ट की क्या बात। शबरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बुराई में कोई अच्छाई छुपी ही होती है। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल नंदन और मैं मन की भीलनी। रावण का वध ना करना होता तो क्या तुम आते? श्री राम ने कहा, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पांव से बाण चलाकर कर सकता है, हजारों कोस चलकर राम तुम्हीं से मिलने आया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। संसार में उन बेरों से ज्यादा स्वादिष्ट उनके लिए कुछ भी नहीं था। श्री राम ने शबरी को नव भक्ति का परम गूढ़ रहस्य और मंत्र भी बताया था। नव भक्ति यानी वो नौ तरीके जिनसे भक्त अपने राम को आसानी से पा सकता है। इनमें पहला है सत्संग, दूसरा है हरि कथा सुनना, तीसरा है गुरु सेवा, चौथा भजन कीर्तन, पांचवा जप, छठा इंद्रियों पर संयम रखना और वेदों के आदेशों का पालन करना, सातवा प्रकृति में हर जगह राम को देखना, आठवा आत्मसंतुष्ट बनना और दूसरों में कोई बुराई न देख पाना, और नवा और सबसे श्रेष्ठ तरीका है श्री राम को पूर्णतः समर्पित हो जाना और उन पर अपने प्राणों से भी अधिक विश्वास रखना है। श्री राम ने शबरी को बताया कि कोई भी इनमें से किसी एक तरीके का भी इस्तेमाल करे तो श्री राम को पा सकता है। श्री राम से ऐसी दिव्य मुलाकात के बाद शबरी के जीवन और उसका उद्देश्य पूरा हो गया था और उन्होंने श्री राम के दिव्य साकेत लोक में वास पाया। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।